नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ अपने सीपीसी लेक्चर सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलॉकुटरी ऑर्डर, जो ऑर्डर 39 में डिस्कस किया गया है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आखिर इंजंक्शन कहते किसे हैं, कितने तरीके के इंजंक्शन होते हैं, टेम्पररी इंजंक्शन इशू करने के कौन से ग्राउंड ऑर्डर 39 रूल 1 में डिस्कस किए गए हैं, वो कौन से सेट प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें लॉ कोर्ट ऑफ लॉ देखेगी टेम्पररी इंजंक्शन इशू करने के पहले, और उन्हें किन लीडिंग केस में एस्टैब्लिश किया गया है। टेम्पररी इंजंक्शन जब इशू किए जाएंगे जिस आदमी के खिलाफ, अगर वो आदमी उस टेम्पररी इंजंक्शन की कही गई बात को नहीं मानता है, ब्रीच करता है, उसे किस तरीके की पनिशमेंट दी जाएगी, ये भी आज देखेंगे। बात उठेगी कि क्या दूसरी पार्टी को बिना सुने केवल एक पार्टी के कह देने पर एक्स पार्टी इंजंक्शन भी इशू किए जा सकते हैं, और सबसे बाद में रूल 6 से लेके 10 लेके आएगा इंटरलॉकुटरी ऑर्डर किसे कहते हैं। शुरू करते हैं ऑर्डर 39 इंटरिम इंजंक्शन या टेम्पररी इंजंक्शन और इंटरलॉकुटरी ऑर्डर। इंजंक्शन कहते किसे, इंजंक्शन का मतलब न्यायालय के द्वारा किया गया ऐसा कोई भी आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को, जो उस मुकदमे का पक्षकार है, उस मुकदमे से संबंधित है, कुछ करने के लिए आदेशित किया जाता है या कुछ करने से रोकने के लिए आदेशित किया जाता है। कोई काम जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं, कोर्ट आदेश करती है उस काम को करने के लिए, या कोई ऐसा काम जिसे पक्षकार को या संबंधित पक्ष को नहीं करना था, कर रहे हैं, रोकने के लिए कोर्ट आदेश करती है, ऐसे कंडीशन में ऐसे आदेश को हम व्यादेश कहते हैं या इंजंक्शन कहते हैं। इंजंक्शन दो तरीके के होते हैं। पहला, अगर समय के आधार पर देखें तो इंजंक्शन या तो परमानेंट होता है या टेम्पररी होता है। जब कुछ करने या मना करने का आदेश समस्त समय के लिए होता है, इनफिनाइट टाइम के लिए होता है, जब उसे फाइनल पूरी तरह से सुनकर के दिया जाता है, तब उसे हम परमानेंट इंजंक्शन कहते हैं। परमानेंट इंजंक्शन सीपीसी के दायरे के बाहर है। परमानेंट इंजंक्शन कोर्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 36 से 42 में जो रूल्स बताए गए हैं उनसे, उनको फॉलो करते हुए इशू करती है। वहीं दूसरी ओर ऑर्डर 39 रूल 1 से 5 टेम्पररी इंजंक्शन की बात करता है। टेम्पररी इंजंक्शन नाम से ही क्लियर है कि ये अभी फाइनल नहीं है, इन्हें एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कोर्ट के द्वारा दिया गया है। वो सर्टेन टाइम पीरियड क्या है, इसे कोर्ट फिक्स करेगी, हो सकता है अगली सुनवाई तक, हो सकता है निर्णय के दिए जाने तक, या जितना टाइम पीरियड कोर्ट फिक्स करेगी। दूसरी ओर किस काम के लिए आदेश दिए जा रहे हैं, इस पर भी इंजंक्शन दो तरह के होते हैं। जब किसी व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए आदेशित किया जाता है तो इसे हम मैंडेटरी इंजंक्शन कहते हैं। दूसरी ओर जब किसी व्यक्ति को किसी काम को करने से मना करने के लिए आदेशित किया जाता है तो इसे हम प्रोहिबिटरी इंजंक्शन कहते हैं। अब बात उठती है कि आखिर टेम्पररी इंजंक्शन के ग्राउंड्स क्या हैं। ऑर्डर 39 रूल 1 ऐसे 5 ग्राउंड्स की बात करता है। यहां पर पहले एक बात आपको स्पष्ट कर दें, टेम्पररी इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन दोनों में से कोई भी पार्टी कर सकती है। यहां ऐसी शर्त नहीं है कि ये सिर्फ प्लांटिफ ही आएंगे या डिफेंडेंट ही आएंगे। मुकदमे की जो विषय वस्तु है, अगर उसमें किसी भी तरीके का नुकसान हो रहा है, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश हो रही है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, तब यहां दोनों पार्टीज के बीच में एक बैलेंस देखा जाएगा कन्वीनियंस का, और कन्वीनियंस बैलेंस को देखते हुए टेम्पररी इंजंक्शन इशू किए जाते हैं। इसका टारगेट है मुकदमे के सब्जेक्ट मैटर को, मुकदमे की विषय वस्तु को, जब तक कि कोर्ट दोनों पार्टीज के राइट और ड्यूटी अच्छी तरह से फाइनलाइज नहीं कर देती है, तब तक ज्यों का त्यों बनाए रखना। आते हैं क्या आखिर ग्राउंड्स क्या है। ऑर्डर 39 रूल 1
ऐसे पांच ग्राउंड्स की बात करता है। नंबर वन, जब अपोनेंट कोई भी प्लांटिव भी हो सकता है डिफेंडेंट भी हो सकता है, जब अपोनेंट जिसके खिलाफ ये एप्लीकेशन मांगी गई है इंटरिम इंजंक्शन की, जब अपोनेंट उस मुकदमे के सबजेक्ट मैटर जो कि इनमेवेबल प्रॉपर्टी है अगर उसको वेस्ट कर रहा है या वेस्ट करने की थ्रेटिंग कर रहा है, धमकी दे रहा है, उसको डैमेज कर रहा है या डैमेज करने की धमकी दे रहा है, उसको किसी भी तरह से इंजरी कॉज कर रहा है या इंजरी कॉज करने की धमकी दे रहा है, या डिग्री में रॉन्गफुल तरीके से सोल्ड कर रहा है। इसका मतलब कैसे कहते हैं कि डैमेज किसे कहते हैं, इंजरी किसे कहते हैं, वेस्ट किसे कहते हैं। अब आप समझिए कि मान लीजिए एक एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर डिस्प्यूट है, जिसके पजेशन में वो प्रॉपर्टी है वो उस एग्रीकल्चरल लैंड में कुछ इस तरीके के पेड़ लगा दे रहे हैं, यूकलिप्टस के पौधे लगा रहे हैं या कुछ ऐसे पेड़ लगा रहे हैं जो उस जमीन के पूरे न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देंगे, अब वो जमीन ऊसर जमीन होके रह जाएगी, तब ये पूरी जो एग्रीकल्चरल लैंड है ये वेस्ट हो रही है या वेस्ट करने की ऐसी धमकी दी जा रही है। इंजरी करना, इंजरी करने से मतलब अगर उस एग्रीकल्चरल लैंड पर जिसके पजेशन में वो लैंड है उन्होंने 200 कुएं खुदवा दिए या हर 5 मीटर के बाद उन्होंने बोरिंग लगवा दिया, पानी के लिए बोरिंग करा दी, तो अब उस लैंड में आप एग्रीकल्चर तो कर नहीं सकेंगे, तो ये आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को आपने इंजरी कॉज की। पहला क्या हुआ, आपने वेस्ट कर दिया, दूसरा हुआ आपने इंजरी कॉज की, डैमेज किया उस प्रॉपर्टी को, और फिर या तो आप डिग्री के एग्जीक्यूशन में उस प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल तरीके से आप सेल कर रहे हैं। पहला ग्राउंड हुआ। दूसरा ग्राउंड है जहां पे अपोनेंट अपने क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए प्रॉपर्टी को डिस्पोज या रिमूव कर रहा है। अब इसको समझिए, मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने 3 लोगों से 5-5 लाख रुपए लोन लिए, मिस्टर एक्स डेबिटर हुए और ए बी सी ये इनके क्रेडिटर हुए। मिस्टर एक्स अपने क्रेडिटर्स का लोन देना नहीं चाहते और उनको परेशान करने का इनका इंटेंशन है, उनको उनके साथ फ्रॉड करने का इनका इंटेंशन है। इस इंटेंशन के साथ अगर मिस्टर एक्स प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहे हैं, डिस्पोज करने की थ्रेट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं या थ्रेट कर रहे हैं, तब यहां पर जो भी क्रेडिटर्स हैं एक्स ए बी सी जो क्रेडिटर हैं, ये एक्स के खिलाफ टेम्पररी इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन दे सकेंगे। नंबर थर्ड, तीसरा ग्राउंड है कि जब अपोनेंट जिसके खिलाफ एप्लीकेशन आई है, जब अपोनेंट एप्लीकेंट को उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर रहा हो, डिस्पोजेस करने की धमकी दे रहा हो या उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई और इंजरी कॉज करने की कोशिश करें, मतलब क्या, एक मुकदमा है एक्स और वाई के बीच में, एक्स अभी भी प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज है, प्रॉपर्टी का कब्जा एक्स के पास है, वाई ने किसी चीज को लेकर के कुछ उनके डिस्प्यूट्स हैं जिसको सेटल करने के लिए एक्स ही एप्लीकेंट बन के प्लांटिव बन के आया, ठीक। एक्स के कब्जे में प्रॉपर्टी है, वाई जो है वो फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करके इलीगल तरीके से एक्स को उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर रहे हैं। अब यहां पर एक्स डिमांड कर सकेंगे टेम्पररी इंजंक्शन की। चौथा, जहां पर अपोनेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन करें, जो हुई है पार्टीज के बीच में उनका वायलेशन करें या कोई अदर इंजरी कॉज करें। और पांचवा ग्राउंड, जो भी ऐसे कोई भी ग्राउंड जो नंबर 1, 2, 3 और 4 की कैटेगरी में नहीं आते लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ को लगता है, कोर्ट ऑफ लॉ को लगता है कि ये जस्टिफिएबल ग्राउंड हैं, इन इस ग्राउंड के ऊपर भी टेम्पररी इंजंक्शन इशू किया जाना चाहिए, तो वहां कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन इशू करेगी। तो टोटल 5 ग्राउंड आए ऑर्डर 39 रूल 1 में। अब आते हैं कि एप्लीकेंट एप्लीकेशन लेकर के कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आ जाता है कि इन 5 में से 1 ग्राउंड हमारे फेवर में अवेलेबल है, आप हमें टेम्पररी इंजंक्शन इश्यू कर दीजिए अपोनेंट के खिलाफ। तो
यहां पर टेम्पररी इंजंक्शन इशू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह कोर्ट का डिस्क्रिशन है। और जब भी किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को विशेषाधिकार दिए जाते हैं, डिस्क्रिशन दिए जाते हैं, तो निश्चित है उस डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसके भी प्रिंसिपल सेट आउट किए जाते हैं, जिससे उस डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कॉशसली किया जा सके। और कोर्ट ऑफ लॉ तो निश्चित है कि वो हर काम ही कॉशस के साथ करने के लिए बनाई गई है। यहां ऑर्डर 39 में इंटरिम इंजंक्शन या टेम्पररी इंजंक्शन देने के पहले एक कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें एप्लीकेंट को अपने फेवर में दिखाना होगा। पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्राइमा फेसाई केस का। किसे कहते हैं? बार बार ये चीज सीपीसी में भी आएगी, सीआरपीसी में भी आएगी, एविडेंस में भी आती है कि आखिर प्राइमा फेसाई केस कहते किसे हैं। प्राइमा फेसाई केस को लेकर के सबसे बेहतरीन जो डिफिनीशन दी गई है वो 1958 में दी गई है मार्टिन ब्रून वर्सेस बनर्जी के केस में। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस की टेक्निकल एनालिसिस किए बिना, एविडेंस की टेक्निकल एनालिसिस किए बिना अगर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने पर कोर्ट को यह कंक्लूजन आता हुआ दिखाई देता है कि एप्लीकेंट या प्लांटिफ के फेवर में केस बन रही है, जो दावा वो कर रहा है उस तरीके उस संदर्भ में एक कंक्लूजन आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम उस केस को प्राइमा फेसाई केस मान लेंगे कि साबित हो गई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ यही और यही कंक्लूजन निकल के आ रहा है। हो सकता है दूसरे भी कंक्लूजन आए बाद में, लेकिन अभी जब हम डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहे हैं तो बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के प्रोसेस में गए, बिना इन डेप्थ एनालिसिस में गए, हमें यह समझ में आ रहा है कि एप्लीकेंट या प्लांटिफ का जो दावा है, जो बातें वो कह रहे हैं, उसमें एक दम है, उसमें यह चीज विश्वास की जा सकती है कि हां इनका पक्ष जो है वो साबित हो जाएगा या इनके फेवर में मुकदमा बैठेगा या इस ऊंट इस करवट में बैठेगा। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मान लेंगे कि प्राइमा फेसाई केस प्लांटिफ या एप्लीकेंट के फेवर में। नंबर सेकंड जो प्रिंसिपल है, जो भी टेम्पररी इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन लेके आएंगे, अगर इंजंक्शन नहीं दिया जाए, अगर इंजंक्शन इश्यू नहीं किया जाए, तो उन्हें इररिपरेबल लॉस होगा। अब इररिपरेबल लॉस किसे कहते हैं? क्या ऐसा भी कोई लॉस होता है जिसको बाद में रिपेयर न किया जा सके, कंपनसेट न किया जा सके? इस बात को जस्टिस डिप्लॉक बड़ी खूबसूरती से बताते हैं अमेरिकन साइनामाइड कंपनी वर्सेस इथिकॉन लिमिटेड के केस में। यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मुकदमा है। अमेरिकन साइनामाइड कंपनी के केस में जस्टिस डिप्लॉक कहते हैं कि जब प्लांटिफ को हुए नुकसान को, जब प्लांटिफ को जो नुकसान हुआ है उसको पैसों में कंपनसेट किया जा सकता है, उसको पेक्यूनरी कंपनसेशन दिया जा सकता है, और दूसरी पार्टी जो अपोनेंट है वो इस कैपेसिटी में है कि वो पेक्यूनरी कंपनसेशन दे सके, तब इस लॉस को हम इररिपरेबल नहीं कहेंगे। तो इसका ठीक उल्टा, जब प्लांटिफ या एप्लीकेंट को हुआ नुकसान पैसों में कंपनसेट नहीं किया जा सकता है, तब हम ये कहेंगे कि यहां जो लॉस हो रहा है वो इररिपरेबल है। एक उदाहरण से समझिए, ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट है। ए कहता है कि 5 मई को हम आपको 1,000 लीटर सरसों का तेल प्रोवाइड करेंगे। 5 मई को ए बी को 5,000 दे दे, 10,000 लीटर 1,000 लीटर जो एग्रीमेंट हुआ वो सरसों का तेल नहीं देता। तब यहां जो बी को इंजरी होगी क्या वो इतनी बड़ी होगी कि कोई भी पैसा उसको कंपनसेट ना कर पाए? इसका आंसर है नहीं।
1000 लीटर तेल नहीं मिलने से भी उस दिन मार्केट से उठाएंगे तेल, जितना दोनों के रेट का अंतर होगा, मान लीजिए ए ने कहा था कि हम 50 रुपए लीटर प्रोवाइड करेंगे, बी को उस दिन 65 रुपए लीटर प्रोवाइड लेना पड़ा, तो 15 रुपए मल्टीप्लाई बाई 1000 लगभग 15000 रुपए का कंपनसेशन बी के फेवर में बनता है। तब यहां जो कंपनसेशन बना इसको पेकुनरी तरीके से कंपनसेट किया जा सकता है। तब हम ये नहीं कहेंगे कि यहां बी को इररिपरेबल लॉस होगा, लेकिन ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट है, बी के फादर, बी के फोर फादर्स की कोई एक साथ में उनकी खुद की पारिवारिक तस्वीर है, जिसको ज्यों का त्यों बिना डिस्टर्ब किए उसके कुछ कलर्स चले गए हैं, उनको फिर से ठीक करने का काम ए ले लेता है और उस पूरी पिक्चर को ए बर्बाद कर देता है। अब यहां पर बी को जो नुकसान हुआ, आप कितना भी कंपनसेशन पैसों में दिलाने की कोशिश करें, बी को हुए इंजरी को कंपनसेट नहीं किया जा सकेगा। तो हम ये कहेंगे कि इस उदाहरण में, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अपने फोर फादर्स के दिए गए डॉक्यूमेंट से, फोर फादर की प्रॉपर्टी से, अपने फोर फादर के पिक्चर से, उनके साथ जिस भी व्यक्ति से उसका इमोशनल अटैचमेंट है, वो घड़ी हो सकती है, वो कोई दूसरा सामान हो सकता है, वो एक पेन भी हो सकती है, अब उसकी वैल्यूएशन, अगर उसको इंजरी कॉज होती है तो उसकी वैल्यूएशन निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के लिए। क्यों? क्योंकि हर आदमी की फीलिंग अलग है। इसलिए जहां पर ये पिक्चर ए ने बर्बाद कर दी, जो कि बी के फोर फादर्स की थी, वहां पर हम ये मानेंगे कि बी को जो इंजरी कॉज हुई है वो इररिपरेबल लॉस है, उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसी तरह जब मुकदमा, मान लीजिए जमीन को लेकर के है, मुकदमा किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के है, और वहां पर अगर हमने इंटरिम इंजंक्शन या टेम्पररी इंजंक्शन इशू नहीं किए, तो जो एप्लीकेंट है उसको जो नुकसान होने वाला है उसको बाद में हम पैसों में कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, ये भी एप्लीकेंट या प्लांटिफ के फेवर में जानी चाहिए। और नंबर थर्ड, एक बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का प्रिंसिपल कोर्ट को फॉलो करना है। क्या होता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस? अब देखिए, जब एप्लीकेंट आया है कोर्ट में, ये मांग रहा है इंजंक्शन, अगर कोर्ट इसको इंजंक्शन नहीं देगी तो इनको कितना नुकसान होगा, और दूसरी ओर है अपोनेंट, अगर कोर्ट इंजंक्शन इश्यू कर देगी तो निश्चित है कहीं ना कहीं अपोनेंट को थोड़ा बुरा लगेगा, उनके राइट्स थोड़े कर्टेल होंगे, उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो वो नहीं करना चाहते थे, तो इनको भी थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होगा, इनको भी थोड़ा लॉसेस होंगे, इनको भी थोड़े इंजरी कॉज होंगे। अब कोर्ट ऑफ लॉ को देखना है कि ये जो बैलेंस है, ये जो तराजू है, इनकन्वीनियंस दोनों साइड में है, प्लेंटिफ के लिए नहीं देने पर, अपोनेंट के लिए इंजंक्शन इश्यू कर देने पर, इसका झुकाव किधर है। अगर इसका झुकाव प्लांटिफ के लिए है, अगर इसका झुकाव पूरी तरह से एप्लीकेंट के लिए है, इंजंक्शन इश्यू कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर इसका झुकाव अपोनेंट के साइड में है, अगर इनकन्वीनियंस अपोनेंट को ज्यादा है इंजंक्शन दे देने से, उसकी तुलना में जो प्लांटिफ या एप्लीकेंट को होगी जब नहीं दी जाएगी तो इंजंक्शन इशू नहीं किए जाएंगे। ये चीज जस्टिस डिप्लॉक कहते हैं अमेरिकन साइनामाइड कंपनी के केस में। अब यहां आने के बाद ये आपको क्लियर हो गया कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना है। अब कोर्ट ने इंटरिम इंजंक्शन इशू कर दिए, बात उठेगी कि क्या इंटरिम इंजंक्शन बिना दूसरी पार्टी को सुनवाई का मौका दिए इशू किए जाएंगे? तो जनरली बिना दूसरी पार्टी को सुनवाई का मौका दिए कोई भी इंटरिम इंजंक्शन इशू नहीं किए जाते, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो कि रूल 3 और 3A में बताया जाएगा, जिसे एक्स पार्टी इंजंक्शन भी कहते हैं, उस पर थोड़ा बाद में आते हैं। अब कोर्ट ऑफ लॉ ने टेम्पररी इंजंक्शन इशू कर दिए,
एक्स और वाई के मुकदमे में वाई के खिलाफ टेम्पररी इंजंक्शन इशू कर दिए गए, लेकिन मिस्टर वाई बड़े ढीठ टाइप के आदमी है, वो उस टेम्पररी इंजंक्शन को फॉलो नहीं कर रहे। उसमें जो बात करने के लिए कही गई या मना किया गया वो उसका वायलेशन कर रहे हैं। तो मिस्टर वाई के लिए कितनी लायबिलिटी होगी, इसे रूल 2A में बताया गया है जो 1976 के अमेंडमेंट से जोड़ी गई। यहां कहते हैं कि वो पार्टी जिसको इंजंक्शन में ऑर्डर किया गया, चाहे वो मैंडेटरी हो या प्रोविटरी हो, अगर वो उस काम का करने या नहीं करने का वायलेशन कर रहे हैं, ऐसे वायलेशन करने वाला पक्षकार अप टू 3 मंथ सिविल इंप्रिजनमेंट के लिए लायबल होगा। मतलब उसे 3 महीने तक का सिविल कारावास दिया जाएगा। सिविल कारावास और क्रिमिनल कारावास में क्या अंतर है? सिविल कारावास में आपसे इंप्रिजनमेंट के समय कोई काम नहीं कराया जाता है, और जब हम ऑफेंस के लिए इंप्रिजनमेंट देखते हैं तो वहां पर सिंपल इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है और काम के साथ रिगरस इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। सिविल इंप्रिजनमेंट की कुछ शर्तें हैं जिन्हें सेक्शन नंबर 58 से लेकर के 59 में डिस्कस किया गया। एग्जीक्यूशन में जब इंप्रिजनमेंट पे आएंगे तब इस टॉपिक को इलोबरेट तरीके से वहां डिस्कस करेंगे। तो 3 महीने तक का सिविल इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है, या उसकी प्रॉपर्टी को 1 साल के लिए अटैच किया जा सकता है, और वो इतने ढीठ टाइप के आदमी हैं कि 1 साल बाद भी वो दिया गया आदेश नहीं मान रहे हैं, वो वायलेशन कर ही रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को कोर्ट सेल करा देगी। सेल कराने के बाद जो पैसे आएंगे उसमें से जितना कोर्ट को उचित लगेगा उतना अमाउंट एप्लीकेंट को या प्लांटिफ को कंपनसेशन के रूप में प्रोवाइड कर देगी। तो अगर वायलेशन होगा तो रूल 2A बताएगा 3 महीने तक का सिविल कारावास या 1 साल तक प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, और अगर 1 साल बाद भी आप चलते रहे, डिस्टर्बेंस करते रहे, तो वहां पर प्रॉपर्टी हो जाएगी सेल और कोर्ट दिलाएगी प्लांटिफ या एप्लीकेंट को दिया गया कोई कंपनसेशन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है रूल 3 और 3A में एक्स पार्टी इंजंक्शन किसे कहते हैं। देखिए, टेम्पररी इंजंक्शन या कोर्ट का जनरली कोई भी ऑर्डर बिना दूसरी पार्टी को जिसके खिलाफ वो आदेश मांगा जा रहा है बिना सुनवाई के नहीं दिया जाता, लेकिन कभी कभी हालात इतने विकट हो जाते हैं कि अगर हमने सुनवाई का मौका देने के लिए नोटिस दी, उनको मौका दिया 10 दिन 5 दिन का, उसके बाद वो आए अपनी बात रखे, तब तक इस ऑर्डर के दिए जाने का ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा, तब तक वो बात ही खत्म हो जाएगी, जो लॉस होनी है वो हो चुकी होगी एप्लीकेंट या प्लांटिफ को। ऐसे सरकमस्टांसेस में कोर्ट एक्स पार्टी इंजंक्शन के लिए भी आगे चल सकते हैं। कौन सा मुकदमा आता है? केस का नाम आता है मॉर्गन स्टेनले वर्सेस कार्तिक दास का। मॉर्गन स्टेनले के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया कि कब आप एक्स पार्टी इंजंक्शन देने के लिए चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहां पहली बात यह है, जनरल रूल ये कहता है कि बिना अपोनेंट को सुनवाई का मौका दिए जनरली टेम्पररी इंजंक्शन इशू नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर मुकदमे के हालात ऐसे हैं कि दूसरी पार्टी को सुनवाई देने में जो टाइम लगेगा उसके कारण प्लांटिफ या एप्लीकेंट को जो नुकसान हो जाएगा उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकेगा या इंजंक्शन का ऑब्जेक्ट ही फ्यूटाइल हो जाएगा, वहां कोर्ट एक्स पार्टी इंजंक्शन दे सकती है। क्या एक्स पार्टी इंजंक्शन भी बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए होगा? आंसर है नहीं। यहां 1976 में रूल 3A जोड़ी गई जिसमें यह कहा गया कि अगर कोर्ट एक्स पार्टी इंजंक्शन दे रही है, अगर कोर्ट एक्स पार्टी इंजंक्शन इश्यू कर रही है, तो जिस पार्टी के फेवर में एक्स पार्टी इंजंक्शन इश्यू हो रही है वो इंजंक्शन इश्यू होने के दिन या मैक्सिमम अगले दिन तक, जिस दिन हो रही है या मैक्सिमम अगले दिन तक, अपने एप्लीकेशन की कॉपी,
जिस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस करके उन्होंने एप्लीकेशन बनाया है, उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और अपने प्लेंट की कॉपी, ये तीनों चीजें, तीनों डॉक्यूमेंट्स दूसरे पार्टी अपोनेंट को या उसके एडवोकेट को हर हालत में प्रोवाइड करेंगे। और कोर्ट भी बाउंड है इंजंक्शन एक्स पार्टी दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के अंदर दूसरी पार्टी को सुनेगी और सुनने के बाद तब फाइनल करेंगे कि क्या यह एक्स पार्टी इंजंक्शन आगे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। इसका मतलब जो एक्स पार्टी इंजंक्शन की टाइम लिमिट है वो इंजंक्शन दिए जाने से मैक्सिमम 30 डेज है। अब मॉर्गन स्टेनले के केस में दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि यहां पर प्लांटिफ या एप्लीकेंट को क्लीन हैंड से कोर्ट में आना होगा। क्लीन हैंड्स का मतलब ये नहीं कि उन्हें निर्मा या लाइफबॉय से हाथ धो के आना है। क्लीन हैंड्स का मतलब कि जो वो एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं उस समय उनका खुद का बिहेवियर, उस मुकदमे में उनका खुद का आचरण भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब क्या है? मतलब ये कि जो घटना जिसके खिलाफ वो टेम्पररी इंजंक्शन मांग रहे हैं वो 2 महीने पहले की है। 2 महीने के दौरान इस मुकदमे में 4 डेट पड़ी, चारों डेट्स पर प्लांटिफ एप्लीकेंट भी अवेलेबल हुए, डिफेंडेंट अपोनेंट भी अवेलेबल हुए, लेकिन उस चारों डेट में से किसी भी डेट पर एप्लीकेंट या प्लांटिफ ने कोई बात नहीं बताई, कोई भी रेमेडी नहीं डिमांड की। आज जब ये 5वीं डेट पड़ी है, जब अपोनेंट या डिफेंडेंट किसी कारण से प्रेजेंट नहीं है, तो प्लांटिफ या वो एप्लीकेंट 2 महीने पहले की उस घटना को, जिसको वो 4 बार डेट पड़ी उस पर उठा सकते थे, आज उठा रहे हैं, आज उसमें बड़ी जरूरत बता रहे हैं और टेम्पररी इंजंक्शन डिमांड कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि इनका खुद का जो बिहेवियर है वो क्लीन हैंड से ये कोर्ट में नहीं आए हैं। ऐसे सर्कमस्टांसेस में इनको टेम्पररी इंजंक्शन इशू नहीं किए जाएंगे। तो जो पार्टी है, जो एप्लीकेंट है जिसे टेम्पररी इंजंक्शन चाहिए, उसका खुद का बिहेवियर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि उसे एक्स पार्टी इंजंक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आते हैं रूल 6 से 10 में इंटरलॉकुटरी ऑर्डर किसे कहते हैं, और रूल 6 से 10 ऐसे कौन से ग्राउंड्स बताता है जब कोर्ट इंटरलॉकुटरी ऑर्डर इशू कर देती है। यहां अगर देखें तो मोटे मोटे 3 ग्राउंड्स निकल के आते हैं। पहला, जब मुकदमा किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के है, किसी मूवेबल, मान लेते हैं किसी आर्टिकल को लेकर के, कोई सामान है और वो सामान या तो कोर्ट के पजेशन में है या कोर्ट की कस्टडी में है और नेचुरली डीके होने के प्रोसेस में वो आर्टिकल रही, वो आर्टिकल नेचुरली डीके हो रही है, तो यहां कोर्ट ऑफ लॉ किसी व्यक्ति को ये आदेश देगा कि अब उस सामान को सेल कर दिया जाए, तो जहां रखी है उस जगह तक जाने के लिए परमिशन देंगे, सामान कितना डीके हुआ है कितना डीके नहीं हुआ है ये देखने के लिए, अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए कोर्ट एथराइज करेगी, सेल करेंगे तो सेल करने के प्रोसेस के लिए एथराइज करेंगे, पैसा कोर्ट में जमा करने के लिए कोर्ट इंटरलॉकुटरी ऑर्डर इशू करेंगे। नंबर 2, अगर मुकदमा किसी लैंड को लेकर के है, अगर मुकदमा किसी लैंड को लेकर के है और उस लैंड पर गवर्नमेंट का रेवेन्यू ड्यू है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू ड्यू है मींस मालगुजारी ड्यू है, नहर रेट ड्यू है, एग्रीकल्चरल लैंड है जिसपे सरकार का राजस्व बाकी है और जिसके पजेशन में वो लैंड है, वो आदमी वो लैंड रेवेन्यू देने में निग्लिजेंस कर रहा है, निग्लेक्ट कर रहा है, देना नहीं चाहता है, बार बार उसको टाल रहा है उस गवर्नमेंट के रेवेन्यू को देने में, तब यहां पर कोर्ट उस मुकदमे में, उस लैंड में, उस प्रॉपर्टी में अगर कोई इंटरेस्टेड पार्टी है जो गवर्नमेंट रेवेन्यू देने के लिए तैयार और रजामंद है, एक्स और वाई का मुकदमा है, वाई के पजेशन में लैंड है, वाई गवर्नमेंट रेवेन्यू देना नहीं चाहते हैं, इस मुकदमे में जेड भी एक इंटरेस्टेड पार्टी है, जेड तैयार है,
कि हम गवर्नमेंट रेवेन्यू चुका दे रहे हैं, तो यहां पर कोर्ट वाई से पजेशन लेकर के ये पजेशन लैंड का जेड को दिला देगी। क्यों? क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो गवर्नमेंट का ड्यूज भी क्लियर होना चाहिए, ये कोर्ट देखेगी। गवर्नमेंट रेवेन्यू को हर जगह एग्जीक्यूशन में भी सबसे पहले जो आप किसी का क्लेम सेटल करेंगे वो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज का होगा। तो ये गवर्नमेंट के रेवेन्यूज क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, ये देखना भी कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है, और इसके लिए वो इंटरलॉकेटरी ऑर्डर इशू कर देंगे। और तीसरा मोटा ग्राउंड क्या? तीसरा ग्राउंड है कि जहां पर मुकदमा जो है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के है, या मुकदमा पैसों को लेकर के है, और अपोनेंट कह रहा है कि वो पैसा उसके पास है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी उसके कस्टडी में है, और उसने वो पैसा या मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी पार्टी जीत के आएगी उसके लिए वो एकदम ट्रस्टी के रूप में रखे हुए है, जिसको कोर्ट कह देगी उसको वो दे देगा। मतलब वो क्या है, वो एक ट्रस्टी की भूमिका में है, मेरे पास पैसे हैं, मैं इसका ट्रस्टी हूं, आप बताइए किसको देना है, मैं उसको दे दूंगा। तो कोर्ट यहां अपोनेंट को आदेश करेगी कि आप वो पैसा या मूवेबल प्रॉपर्टी कोर्ट की कस्टडी में रख दीजिए, कोर्ट के पजेशन में दे दीजिए, या एक हमें आप बॉन्ड इश्यू कर दीजिए विद श्योरिटी विदाउट श्योरिटी, कि हम जिसको कहेंगे जब कहेंगे आप उसको ये मूवेबल प्रॉपर्टी या अमाउंट आप डिलीवर कर देंगे। तो यहां इस संदर्भ में भी इंटरलॉकेटरी ऑर्डर कोर्ट इशू कर देंगे। इतनी बातें ऑर्डर 39 में टेम्पररी इंजंक्शन और इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स के लिए आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को समझाने में मेरा प्रयास सफल रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हर सोमवार से शुक्रवार लॉ की एक नई टॉपिक को जानने के लिए, समझने के लिए सब्सक्राइब करें, और इन्हें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। सीपीसी लेक्चर सीरीज के अगले लेक्चर के रूप में आपके सामने जो टॉपिक लेकर आऊंगा वो है कि कोर्ट ऑफ लॉ कमीशन कब इशू करती है, वो कौन से सरकमस्टांसेस होंगे, वो कौन से गोल होंगे जिनके लिए कोर्ट ऑफ लॉ ऑर्डर 26 में कमीशन इशू करेगी, कमीशन अपना काम कैसे करते हैं, क्या कमीशन जो रिपोर्ट दे देंगे उस पर कोर्ट सीधे सीधे बेस करके आगे चल जाएगी, या उसमें और भी कोर्ट्स के पास कुछ पावर होंगे, इन सारी बातों को लेकर आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।